आपको बता दें 24 सितंबर को एक ट्रक हाइवा ओवरलोड नो एंट्री तोड़ते हुए टिकुरी चौराहे पे स्कूल से अपने घर जा रही चार छात्राएं रिद्धि, राधा, रितु और सिमरन उस ट्रक के चपेट में आ गई, जिससे सहमन गांव की रिद्धि मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। राधा, रितु और सिमरन को अलग अलग अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गंभीर रूप से जख्मी सिमरन निषाद बदुआ गांव की रहने वाली है। उसका दाहिना हाथ डॉक्टर को काटना पड़ा। सिमरन के पिता का भी पिछले साल निधन हो गया था। दो बहनों में एक भाई में सिमरन बड़ी थी और अत्यंत गरीब परिवार से है। उनकी मां ने मीडिया के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की है, जिसके बाद बीजेपी नेता राजू शुक्ला, इंद्रदेव ने 50,000, समाज सेवी बाबा तिवारी ने 30,000, शिवसेना से जुड़ी रुचि तिवारी 20,000, आलोक रजत ने 1100 रुपए का सहयोग अस्पताल में पहुंच के किया। साथ ही क्षेत्र के सांसद उज्ज्वल रमन सिंह भी सिमरन के घर पहुंच के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।